नमस्ते दोस्तों, आज हम अपने किचन में वेज खिचड़ी बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने वेजिटेबल छोटे छोटे चॉप किए हैं, अनियन चॉप किया, टमाटर चॉप किया है और चावल लिए हैं, मूंग की दाल ली है। सबसे पहले 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। जब देसी घी गर्म हो जाए तो उसमें तेज पत्ता डालेंगे। और जीरा डालेंगे, इनको भूनने दो। फिर उसमें प्याज डालेंगे। जब तक प्याज सुनहरी ना हो जाए उसको चलाते रहो। जब प्याज सुनहरी हो जाए तो उसमें हमें टमाटर डालना है। टमाटर को भी भून लो। फिर उसमें वेज सब्जियां डालना है। सब्जियों को फ्राई होने दो। फिर हल्दी, 1 स्पून हल्दी, आधी स्पून लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, चलाओ। फिर उसमें साबुत कटी हुई ग्रीन मिर्ची, फिर हरी मूंग की दाल, फिर उसमें चावल धोकर डाल दो। फिर पानी डालो जितना हमें खिचड़ी में चाहिए उसके अनुसार पानी डालो। पानी डालने के बाद कुकर का ढक्कन लगाकर सीटी लगा दो, 4 सीटी।
दोस्तों अब हमारी चटपटी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। देखो कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। अब खिचड़ी मेरी मम्मी खा रही है। अब मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ ये खिचड़ी कैसी बनी है, टेस्टी है? बताओ कैसी बनी है मम्मी? मेरी मम्मी को तो अच्छी लगी है। अब आप भी कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी है, और मेरे को वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए प्लीज़। धन्यवाद, थैंक यू।